और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना लाठी चार्ज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई 31 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर चर्चा होगी। मार्च में लाठी चार्ज के दौरान कई बीजेपी नेता घायल हुए। बीजेपी के मुताबिक लाठी चार्ज में नेता विजय सिंह की मौत हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत हुई। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हुई लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पटना में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में बीजेपी एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। हालांकि प्रशासन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का कारण बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि लाठीचार्ज के दौरान ये मौत हुई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को सुनवाई होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए, पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो लाठी चार्ज हुई थी और इस लाठी चार्ज में बीजेपी की कार्यकर्ता की जो मौत हुई थी, इसके बाद से ही बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। इस पर सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को। पूरी जानकारी और अपडेट इस मामले में, आज सुनवाई की तारीख तय थी, लेकिन जज अस्वस्थ होने के कारण आज वो बेंच नहीं बैठी है, जिस वजह से मामला सोमवार के लिए लिस्ट पे चला गया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के मामले में जांच की मांग को लेकर यह याचिका दायर है। बीजेपी नेता विजय सिंह, जो की जहानाबाद के रहने वाले थे, उनकी मौत के मामले में SIT और CBI के जरिए जांच कराने की मांग की गई है। और इस याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, अहम सुनवाई थी, लेकिन जज अस्वस्थ होने की सूचना आई है और जो मैटर था ये सोमवार के लिए लिस्ट हो गया है। बिल्कुल अविनाश, बीजेपी की तरफ से लगातार इस पर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन की सरकार लगातार यही कह रही है कि बीजेपी अब मौत पर सियासत कर रही है। सियासत का उनका आरोप लगाना हो सकता है, लेकिन मामला संगीन है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई के लिए लिस्ट भी किया है, तो इससे समझा जा सकता है कि मामले की अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट मामला सुनना चाहते हैं। अब जब सुनवाई होगी तो क्या दलीलें आती हैं, किस आधार पे जो याचिका करता है वो बिहार में जो ये चीजें चल रही है लगातार, उसको लेकर जो दलीलें दी जाएंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस जारी कर देता है तो जो इस तरह का एलिगेशन है कि सियासत वाला, वो अपने आप में कहीं हल्का पड़ेगा, क्योंकि मामला तो गंभीर है, लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और यही कोशिश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट को बताने की। ठीक है अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।